हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू SST क्लास। टुडे वी विल डू लेसन सिक्स, अर्ली फॉर्म ऑफ किंगडम्स, की पहले समय की जो राजधानियाँ थी वो कैसी थी, जिसके बीच में आप पढ़ोगे जनपद और महाजनपद। सबसे पहली अर्ली स्टेट्स बनी थी हमारी, जैसे जनपद था जिसके ऊपर कोई राजा राज किया करता था, और महाजनपद जिसके ऊपर कोई पावरफुल एम्पायर राज किया करती थी, हमला करके उस राज के ऊपर कब्जा कर लिया करती थी, तो वो क्या बन जाती थी, महाजनपद बन जाती थी। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे फ्रॉम जनपद टू महाजनपद के बारे में, और लाइफ इन द महाजनपद, उनकी जिंदगी कैसी थी। फिर आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में द आर्यन स्प्रेड इनटू इंडो गंगेटिक प्लेन्स बाय 600 BC। कहते जब आर्यंस लोग थे, अब कहाँ पे आ गए थे, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में आ गए थे, एंड उन्होंने क्या किया, नए शब्द और नई सभ्यता के बारे में सीखना शुरू किया। उनको किसका यूज़ करना आ गया, प्लो का यूज़ करना आ गया था, और उनको नई नई टेक्निक्स पता चल चुकी थी किसकी, एग्रीकल्चर के बारे में, और उनकी अलग अलग परंपराएं और कल्चर उनके क्या हो गया था, उनको अफेक्ट कर रहा था। दे गिव राइज टू बिग किंगडम, जिसने किसको जन्म दिया, बड़ी राजधानी को जन्म दिया, जो बाद में पावरफुल एम्पायर बन गई। दीज किंगडम्स, कहते जो ये राजधानियाँ हैं, जनपद वर्दा फर्स्ट स्टेट से क्या थी, हमारी पहली राज्य थी। मच ऑफ आर नॉलेज अबाउट जनपद हैज बीन ड्रिव्ड फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज सच एज वैदिक टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मण्स एंड द अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कहते जो हमें जनपद के बारे में जो भी लिखित रूप से सूचना मिलती है वो वैदिक टेक्स्ट से मिलती है, जैसे कि ब्राह्मण्स और अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि जो महात्मा बुद्ध जी के जब हुए थे तो उनके राज्य से, जो उनके उन्होंने पुस्तकें लिखी थी उसके अंदर से हमें जनपद के बारे में नॉलेज मिलती है। कहते हैं वैदिक पीरियड के अंदर आर्यंस क्या हुए, विलेज के अंदर सेटल हो गए, तो पहले वो क्या करते थे, अपना एक कबीला बनाते थे। धीरे धीरे कहते हैं टेरिटरीज डेवलप हो गई, बिगर सेटलमेंट्स के अंदर ये क्या बन गई, जनपद बन गई। कहते कुछ जनपद ने क्या किया, बहुत बड़े राजाओं के एरियाज के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और वो क्या बन गए, महाजनपद बन गए। दे बिकेम मोर पावरफुल, ये और शक्तिशाली बन जाते थे, कैसे, अपने ड्वीटिंग द स्मॉलेस्ट स्टेट्स, ये छोटी छोटी स्टेट्स या जनपद को हरा देते थे। इन द 6th century BCE, कहते 6th century अंदर, बाय एंड लार्ज देयर वर 16 महाजनपद इन द गंगा वैली। कितने महाजनपद होद में आ चुके थे, 16 महाजनपद आ चुके थे। दे ड्रिव देयर नेम्स फ्रॉम द रूलर्स और चीफ ट्राइब। कहते जो हर एक उसके जिसके ऊपर भी महाजनपद राज करती थी, उनके ऊपर रूलर्स के ऊपर उनका नाम पड़ता था, या ट्राइब का जो एक चीफ हुआ करता था उसके ऊपर उनका नेम पड़ा करता था। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कैपिटल फ्रॉम अटैक्स, कहते उन्होंने अपनी राजधानी को हमलों से बचाने के लिए, ठीक है जी, पड़ोसी देशों से बचाने के लिए फोर्टिफिकेशन किया, क्या किया, किलाबंदी कर दी अपने शहर के आसपास। तो ये फोर्ट्स बने होते थे, किसके बने होते थे, जो किले बने होते थे वो स्टोन्स और ब्रिक वॉल्स के बने होते थे, यानी कि पत्थर और ईंटों के बने होते थे। महाजनपद हैड रिच रिसोर्सेज विच एनेबल दीज रूलर्स टू मेंटेन एलैबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कहते जो महाजनपद थे उनके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज थे, जिसके थ्रू उन्होंने अपने प्रशासन को, यानी कि अपने राज्य को क्या किया, एलैबोरेट किया, एलैबोरेट यानी कि उसका विस्तार किया। महाजनपद, ठीक है जी, एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदू कुश माउंटेन्स, कहते वो हिंदू कुश माउंटेन से लेके नॉर्थ के गोदावरी तक, और साउथ बिहार से लेकर ईस्टर टू अफगानिस्तान इन मगदा, कहते हैं द वेस्ट, वेस्ट तक गए। अमंग द इम्पोर्टेंट महाजनपद, कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था कोसला, वत्सा, मगध, वज्जी, अवंती। देयर वर फ्रीक्वेंट वॉर्स अमंग द महाजनपद, कहते हैं महाजनपद से एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। धीरे धीरे जो मगध महाजनपद थे, ठीक है, कहते उनकी पावर भी टू टाइप्स की हो गई, रिपब्लिक एंड मोनार्की, रिपब्लिक एंड मोनार्की। कहते जो रिपब्लिकन महाजनपद होता था, ये कॉमन पीपल के द्वारा इसके ऊपर राज किया जाता था, जिसके ऊपर कोई भी राजा राज नहीं करता था। रिपब्लिक जिसके ऊपर कौन राज करता था, लोग, ना कि राजा। इसमें जो सारी शक्ति होती थी लोगों के हाथ में होती थी, राजा के हाथ में नहीं होती थी, इसीलिए इन रिपब्लिक्स को लोग बोलते थे गण या संघ बोलते थे। कहते कुछ सम वेल नो रिपब्लिक्स वर दोज ऑफ, जैसे कुछ रिपब्लिक्स के नाम दिए, कुछ गणतंत्र इन्होंने नाम दिए हैं महाजनपद के, दैट इज शक्यास, मल्लास, वज्जीज इन विंध्यास। Each of these republic was ruled by a chief known as the गणपति, जो इनका हेड होता था उसको ये लोग गणपति बोलते थे। इनकी जो पोस्ट थी वो हेरिडिट्री नहीं थी, हेरिडिट्री बेटा वो होता है जैसे कि फादर के बाद बेटे को वही पोस्ट मिल जाए, इनकी जो पोस्ट थी वो क्या थी, हेरिडिट्री नहीं थी। जो ये असेंबली थी उसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे
इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, ठीक है जी, किसका प्रशासन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, मोनार्ची। फिर मोनार्ची क्या था, जो मोनार्चिकल महाजनपद थे इसके अंदर पावरफुल राजा राज किया करते थे, जो किंगशिप थी, जो राजे के बाद उसका बेटा ही गद्दी के ऊपर बैठ जाया करता था, ये हेरिडिटरी थी। किंग वॉज कंसिडर्ड एज अ डिवाइन, उसको महान राजा के तौर पर पदवी दी जाती थी, उसके पास बहुत बड़ी सेना होती थी, ये लोगों के ऊपर टैक्स भी लगाया करता था, जिसमें से मगध, वत्सा, अवंती, कोसला, ये क्या थी, हमारी ग्रेटेस्ट मोनार्चीज थी। अब है लाइफ इन द महाजनपद, अब देखो कोई भी है ना तो उसको उजागर करने की लाइफ, क्यों जीतते, कैसी जिंदगी जीते थे। कहते हैं कि उस टाइम के अंदर एग्रीकल्चर बहुत फेमस हो चुकी थी, ठीक है जी, क्योंकि जो ये आयरन से वो फर्टाइल एरियाज में लोकेटेड थे और इन लोगों को आयरन का यूज़ करना आ गया था, उन्होंने आयरन से प्लोज बना लिए, अदर फार्मिंग टूल्स बना लिए। उस टाइम के अंदर राइस क्या बन चुकी थी, मेन क्रॉप बन चुकी थी, किसानों ने क्या सीख लिया था, उनको खाद का यूज़ करना और इम्पोर्टेंट फार्मिंग टेक्निक्स आ गई थी। राजा होता था जो किसानों के ऊपर अब क्या लगाता था, टैक्स लगाता था, जैसे एक किसान होता है, ठीक है, उसके पास जितनी ज़मीन होती थी, ठीक है जी, जितनी भी ज़मीन के ऊपर उसकी फसल पैदा होती थी, तो फसल का वो 1/6 क्या किया करता था, राजा को दिया करता था, जिसको भाग और शेयर कहते थे। टू ग्रो मोर राइस, कहते ज़्यादा राइस लगाने के लिए दे रिप्लेस द अर्ली मैथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स विद ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज ग्रोइंग सैपलिंग सेपरेटली एंड देन प्लांटिंग दैम इन द फील्ड। तो रजी अब इन लोगों ने बीजों को अलग अलग खिलार के उसकी सैपलिंग्स बना के खेतों में लगाना शुरू कर लिया था, जैसे जो टेक्निक्स अपना आजकल यूज करते हैं वैसे ही इन लोगों ने भी राइस लगाना शुरू कर दिया था। न्यू क्राफ्ट्स, कहते ओन अकाउंट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, अब लोगों को अच्छी है एग्रीकल्चर करनी आ गई तो जो फूड था वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। तो सम पीपल टुक टू आर्ट वाई अदर अडॉप्टेड क्राफ्ट्स लाइक पॉटरी, कहते कुछ लोगों के अंदर, तो ठीक है कुछ लोग क्या थे, किसान थे, तो कुछ लोगों के अंदर कहते अलग अलग कला थी जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग काम क्या कर लिए, अडॉप्ट कर लिए, जैसे कि पोल्ट्री, कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथ, वीविंग एक्सेट्रा। पोर्ट्स फाउंड एट वेरियस साइट्स हैव डिफरेंट कलर्स, कहते हमें काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स मिले हैं अलग अलग साइट से जिनके अलग अलग कलर्स हैं। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड्स, फिर है ट्रेड की जो व्यापार हुआ, ठीक है जी, व्यापार के अंदर कैसे ग्रोथ हुई, एंड फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड्स, गिल्ड्स यानी कि जो श्रेणियाँ हैं वो कैसे होद में आई। कहते जो व्यापार था इस टाइम के अंदर काफ़ी फैल चुका था, थ्रू द गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, क्योंकि जो सड़कें थी वो काफ़ी अच्छी थी, ओवरसीज और समुंदर के थ्रू भी व्यापार ने काफ़ी इंपॉर्टेंस गेन कर ली थी। फर्स्ट टाइम कहते क्वाइंस यूज़ किए गए थे ट्रेड के अंदर, पहले लोग क्या करते थे, गाय वगैरह का एक्सचेंज किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने सिक्कों का यूज़ करना शुरू कर दिया था। जो पहली बार सिक्के बने वो किस किस के बनाए गए, सिल्वर और कॉपर के बनाए गए, जिसको पंच मार्क्ड किया गया, जिसको पंच किया गया, जैसे कि आप देखते हो हमारे कॉइन्स के ऊपर नेशनल एम्बलम की पिक होती है, तो वैसे ही उन लोगों के सिंबल क्या थे, हिल्स और ट्रीज थे, इन कॉइन्स को पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहते थे। फिर मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन्स हैं, कहते इन्होंने भी कुछ ट्रेड के अंदर डेवलप किया, इनकी श्रेणीज बन गई गिल्ड्स की, क्या क्या करते थे, रेगुलेटेड द क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूट एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कहते दीज गिल्ड्स, कहते हैं चीज़ों के जैसे भी क्वालिटी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कि भी कितनी मात्रा में चीज़ें पैदा की गई हैं, ये सारी चीज़ों का हिसाब रखते थे। द मेन आर्टिकल्स ट्रेडर, जो मेन व्यापार किया जाता था उस टाइम के अंदर, सिलक, मुजलिन जाने की तरह जो सॉफ्ट कॉटन क्लोथ है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा था उसको बोलते हैं, परफ्यूम्स एंड आइवरी। द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स वर, उस टाइम के अंदर जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे, दैट इज़ अ तक्षशिला, चंपा एंड भारूचा, भरूच इन गुजरात, ये क्या थे, फेमस थे, किसके अंदर, ट्रेडिंग सेंटर फेमस हो चुके थे। सोशल लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, इन शहरों का विकास। मोस्ट ऑफ द टाउन्स वर द कैपिटल्स ऑफ जनपद्स एंड महाजनपद्स, कहते मोस्ट ऑफ द टाउन्स फॉर द कैपिटल्स ऑफ जनपद्स एंड महाजनपद्स, कहते बहुत ज़्यादा जो कस्बे थे वो जनपद और महाजनपद्स की राजधानियाँ बन चुके थे। अदर वर द सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कुछ सेंटर्स ऐसे थे जो व्यापार के थे और कुछ पूजा के मेन सेंटर थे। दीज टाउन्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द थ्रिविंग विलेजेस वेयर आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पर्सन्स वर टुगेदर, यहाँ पे ये क्या करते थे, जो ये टाउन्स थे इसके अंदर वो विलेजेस भी शामिल हो चुके थे जिसके अंदर आर्टिशंस और क्राफ्ट पर्सन्स थे, वो एक साथ मिलकर काम किया करते थे। और बर्थ ऑफ वर्ना सिस्टम कॉन्टीन्यूड, कहते रजी जो समाज था वो चार जातियों में बढ़ चुका था,
मतलब कि भी जो छात्रता थी वो हार्ड हो गई थी। जैसे हमारी जो मेन जातियाँ प्योर बन चुकी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जा चुके थे। कास्ट रिजिडिटीज कहते हैं इंक्रीज, कहते हैं कि जो कास्ट थी वो जात प्रथा थी वो गुंजलदार होती जा रही थी। प्रोफेशन भी हेरिडिट्री बन चुके थे। देयर वर सेपरेट रूल्स फॉर ईच वर्ण, राजा ये हर एक वर्ण के सेपरेट रूल बन चुके थे। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे, इनकी समाज में क्या थी, हाई पोजिशन थी। जो शूद्र थी इनको क्या माना जाता था, नीचे वाली नज़र से देखा जाता था। ब्राह्मण्स क्या करते थे, पूजा पाठ का कार्य करते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो युद्ध लड़ा करते थे। जो वैश्य होते थे वो व्यापार किया करते थे। और शूद्रास ठीक है ये क्या करते थे, नीच काम किया करते थे। इस तरह जो जात प्रथा है वो क्या बन चुकी थी, मतलब बहुत क्या हो चुकी थी, रिजल्ट हो चुकी थी। इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग बिटवीन द कास्ट वर नॉट अलाउड, अब ना तो अंतर जाति शादी और ना ही एक साथ वो बैठ कर खा सकते थे। इसके अलावा जो किसान थे वो विलेजेस में रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स मैनली लिव इन सिटीज, और जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो शहरों में रहा करते थे। रिवेन्यू, जो राजा होता था अब उसने के पास बहुत ज़्यादा आर्मी हुआ करती थी, किले वगैरह बनाया करता था, इसके लिए काफ़ी खर्च होता था। तो इसके लिए क्या लगाता था राजा, लोगों के ऊपर टैक्स लगाता था। जो भी लोगों के ऊपर टैक्स लिया करता था वो लोगों के भले के लिए ही लगा करता था। कहते जो लोगों के ऊपर टैक्स लगा करता था वो ये था, कहते एक तो फार्मर्स को 1/6 प्रोड्यूस देना पड़ता था अपना फसल का, किसको, राजा को देना पड़ता, जिसको वो भाग कहते थे। क्राफ्ट पर्सन से उनके ऊपर रेगुलर टैक्स पे करना पड़ता था, चाहे वो कैश में पे करें, चाहे कोई भी आइटम को राजा को दें। वर्कड फ्री फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है, फिर वो बाद में क्या कर सकते थे, काफ़ी दिनों तक फ्री वर्क कर सकते थे। जो हंटर गैदरर्स एंड हर्डर्स थे, ठीक है, जो शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, कहते उनसे भी टैक्स लिया जाता था। ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारियों से भी टैक्स लिया जाता था। द रिवेन्यू कलेक्टर वाज मोस्टली स्पेंट ऑन पेइंग सैलरीज टू द पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन, कहते जो भी टैक्स राजा लेता था वो लोग उनको क्या करता था, जैसे अपने सैनिकों को सैलरी देनी है, ठीक है जी, प्रशासन का जो भी काम करना है, सड़कों का निर्माण करना है, नदियाँ बनानी है, ये सारा कुछ उसमें ही लगाया जाता था। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टुमोरो वी विल डू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर।